एक सेकेंड, ये वो नहीं जो आप सोच रहे हो। अरे सच्ची, इसके अंदर फोन्स हैं। बजट वाले नहीं मानते, ऐसे नहीं मानोगे, ये देखो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब इसका तो कोई काम नहीं है। सो टाइम आ चुका है बेस्ट बजट फोन का। महंगाई बढ़ गई है, जेब में पैसे नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आजकल एक 15,000 में बढ़िया फोन मिलना उतना ही मुश्किल हो गया जितना रील्स पे टैलेंट ढूंढना। जोक्स अपार्ट, मैंने अंडर 30,000, 25,000, 20,000 वाले ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए। तो मैंने क्या किया है, सैमसंग, शाओमी, रियलमी, आईकु, पोको, मोटो, सभी ब्रांड के एक एक फोन लिए हैं। इनको मैंने स्टार्स भी दिया, कुछ को 4 स्टार, कुछ को 4.5 स्टार। कौन सा फोन किन यूजर्स के लिए बेस्ट है सब बताऊंगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले मैं ब्रांड की बात करता हूँ, और वो है दोस्तों शाओमी का। शाओमी के फोन का नाम बजट फोन की कैटेगरी में ना आए ऐसा नहीं हो सकता। सो ये जो फोन है शाओमी का रेडमी 11 प्राइम, फोन अंडर 15,000 रुपीज में मुझे शाओमी का काफी बढ़िया लगता है। इस फोन के एमआरपी 12999 है, और 12999 की प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया फीचर्स दे रहा है। जैसे कि 6.58 इंच की एक बिग स्क्रीन है, 90Hz है, FHD+ है, 50+ कैमरा, 8MP का सेल्फी, एक्स्ट्रा डिजाइन के साथ आता है, मीडियाटेक का हीलियो G99 प्रोसेसर दे रखा है, 5000mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जर है। प्राइस के हिसाब से फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे। इस प्राइस रेंज में फोन में कुछ चीजें अच्छी लगी, जैसे कि डिस्प्ले बड़ा है, FHD है, एंड सबसे बड़ी बात डीजे राजेश है नंबर 1। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, डीजे राजेश 90Hz है, और डीजे मनोसारू 120Hz है। बाकी जो 50MP का कैमरा है वो अच्छा है, परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, बैटरी भी बड़ी है, फास्ट चार्जर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गड्ढा है। बाकी अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है। ये एक 4G फोन है, बाकी ओवरऑल फोन प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है यार। और ओवरऑल इस फोन को मैं 5 में से 4.1 स्टार दूंगा, और ये फोन आपके मॉम डैड के लिए काफी अच्छा हो सकता है। दूसरा फोन उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह पीरो है, जिनको पीरो परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग करनी है। तो परफॉर्मेंस की जब भी बात आती है एक ही नाम आता है, और वो है आईकु। फोन का नाम है आईकु Z6 Lite 5G, 13999 इसकी प्राइस है। प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स दे रहा है, जो परफॉर्मेंस है, जो कैमरा है, इन माई ओपिनियन 2022 में आईको ने काफी बढ़िया फोन लॉन्च किया है, एक वैल्यू फॉर मनी फोन लॉन्च किया है। उनके नाम में लाइट है, बट ना फोन को हल्के में मत लेना। 6.58 इंच की FHD+ 120Hz डिस्प्ले है, 50MP डुअल कैमरा, 8MP फ्रंट कैमरा, स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी, ये सारी चीजें 13999 में, अंडर 15,000 रुपीज में इस फोन को मैं काफी बढ़िया बजट फोन बोलूंगा। प्रोस की बात करता हूँ तो डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात 120Hz है, मतलब डीजे मनोज सारू है। इसमें जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर, नाम से आपको ये छोटा लग रहा होगा, बट ये जो प्रोसेसर है छोटा पर एक बड़ा धमाका है। इसका एंड्रॉइड स्कोर आप खुद देख लो यार। सो एक प्लस पॉइंट ये भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी, आप काफी अच्छी इसमें गेमिंग कर सकते हो। इसका जो डिजाइन है वो भी काफी बढ़िया है, मैट फिनिश है, जो 50MP का कैमरा है वो भी काफी अच्छे फोटोज क्लिक करता है, बैटरी अच्छी मिलेगी। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कोई मेजर कॉन नहीं है। हाँ, एक वाटर ड्रॉप नॉच है, थोड़ा ओल्ड लगता है डिस्प्ले में। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, और बॉक्स में आपको चार्जिंग अडेप्टर नहीं मिलता। बाकी फोन में कोई कमी नहीं है, एकदम मस्त फोन है। 15,000 के अंदर बेस्ट बजट फोन में इसका नाम जरूर आता है, और इस फोन को मैं 4.5 स्टार देना चाहूंगा। अगला फोन पोको फैंस के लिए पोको, और वो फोन है पोको M4 Pro 5G। ये पोको M4 Pro 4G वेरिएंट है, 5G की बात कर रहा हूं, हालांकि ये भी काफी बढ़िया है। इसमें आपको FHD+ IPS डिस्प्ले मिलती है विद 90Hz, 50MP डुअल कैमरा, 16MP सेल्फी, पावरफुल प्रोसेसर है Dimensity 810, 5000mAh बैटरी है। प्रोस की बात करूं तो इसमें आपको डॉट डिस्प्ले मिलती है, मतलब पंच होल डिस्प्ले है, डिस्प्ले देखने में अच्छा लगता है, कैमरा भी मैं कहूंगा अच्छा है, एंड इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है, बैटरी अच्छी है, एंड सबसे अच्छी बात जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, मीडियाटेक Dimensity 810 प्रोसेसर है, ये काफी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट पे, और ये सारी चीज आपको मिलेगी 13999। और इस फोन को मैं ओवरऑल 4 स्टार दूंगा, और हाफ स्टार डिजाइन की दूंगा, मतलब 4.5 स्टार दूंगा। अगले फोन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे पहले लाइक बटन दिख रहा है नीचे, लाइक बटन दिख रहा है। बजट कैटेगरी में रियलमी भी काफी अच्छे फोन्स निकालता है, बट इतने ज्यादा फोन्स निकाल देता है कंफ्यूज जाता है कि फोन कौन सा ले यार। जब मैं फोन की लिस्ट निकाला था रियलमी के, तो एक ही रिएक्शन मेरे से निकल देती आई। ओके, ये फोन है रियलमी का 9i 5G। ये रियलमी 9i 4G वेरिएंट है, मैं 5G वाले की बात कर रहा हूँ। उसकी प्राइस 14999 है, फीचर्स भी अच्छे हैं। 6.6 इंच की FHD+ 90Hz डिस्प्ले है, Dimensity 810 चिप है, 50MP ट्रिपल कैमरा है, 8MP सेल्फी, 5000mAh बैटरी। और इस फोन का अगर मैं प्रोस की बात करूं, डिस्प्ले अच्छी है, हाई रिफ्रेश रेट है, ये जो कैमरा है वो अच्छा है, सेल्फी कैमरा ओके है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, सबसे अच्छा इसका डिजाइन लुक बैक साइड से काफी अच्छा लगता है देखने में। बाकी अगर मैं कॉन्स की बात करूं, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, और जो सेल्फी है वो एवरेज है, बट ओवरऑल फोन बढ़िया है, और इस फोन को मैं 4 स्टार दूंगा। अगली फोन उन लोगों के लिए जिनको ब्रांड वैल्यू चाहिए, जिनको सिर्फ सैमसंग का पसंद है फोन, क्योंकि भाई साहब बहुत से लोगों को कोई सा फोन भी रेकमेंड कर दो, कितना भी अच्छा, कोई से बेस्ट फोन रेकमेंड कर दो, एंड में जाके वो लोग सैमसंग का फोन ही लेते हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे अपने जानने वाले को मैंने इतने फोन मैंने बताया, अच्छे अच्छे ऑप्शंस बताया, उनके हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से बताया, अंत में क्या लिया,
सैमसंग। तो ये फोन है सैमसंग F23 5G और सैमसंग का ये फोन देखने में काफी धांसू लगता है और इसमें आपको एक बिग स्क्रीन मिलती है, IPS 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी, 5000 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 750G, 12 5G बैंड्स है, ये सारी चीजें 14999 में। और अगर मैं इसके प्रोस की बात करता हूँ, डिस्प्ले अच्छी है, FHD प्लस है, 120Hz है, बाकी जो रियर कैमरा वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, बैटरी अच्छी है एंड सबसे अच्छी चीज स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिलता है। बाकी अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो ऐसा कोई मेजर कॉन नहीं है, सेल्फी एवरेज है और वाटर ड्रॉप नॉच है। नेक्स्ट फोन उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ क्लीन, देख रहे हो एकदम क्लीन नहीं आती, कंट्रोल एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए तो मोटो भाई बताओ इनको। मैं हूं ना यस, अंडर 15,000 रुपीज में जिसको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए उन लोगों के लिए ये फोन है। फोन का नाम है मोटो G52 5G, बढ़िया फोन है यार। उनका साइज देखो इतना बड़ा है, काफी हल्का है ये। इसमें FHD प्लस पी ओलेड डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, स्नैपड्रैगन 680 है, 5000 mAh की बैटरी है, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है और ये सारी चीजें मोटोरोला आपको 11999 में दे रहा है। बट इस फोन का बिगेस्ट कॉन ये है कि ये एक 4G फोन है। इस फोन को मैं 4.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। कमेंट करके बताओ 15,000 में आपकी नजर में बेस्ट फोन कौन सा है। एंड वेट 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 वेट, जाते जाते वीडियो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो। नहीं 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 ये वो नहीं है यार, चलो।